बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं? किरण खैरियत से होंगी। आज हम आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी और आज आप जब आप बना के खाएंगे तो मज़ा भी आएगा। इसके लिए हमने 1 कप बड़ी प्याज ली, हमने तकरीबन जो है हमने 2 कप घी लिया है 200 ग्राम, और इसके अंदर जो हमने प्याज डाल दी है, चावल जो है घी में अच्छे लगते हैं। 1 किलो हमने मटर लिए हैं, 1/2 किलो हमने आलू, अच्छा 1 पाव हमने टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चे लिए हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन लिया है, साथ ही जो है चंद पत्ते हमने इसमें कड़ी पत्ते, अच्छा साथ ही हमने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, और जो है 4 अदद हमने छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, काली मिर्चे, लौंगे जो है 6 से 7 अदद, और तेज पत्ता, साथ ही सौंफ और जो है धनिया 1 चम्मच लिया है। अजान हो रही है, अजान का जवाब दीजिए, हम खामोश होकर बाकी काम छोड़ दीजिए। अच्छा, हमने सारा गरम मसाला डाल दिया है प्याज के साथ साथ। अच्छा, सौंफ को और धनिया को जो है ना हमने थोड़ा सा दरदरा सा ना 1/2 दस्ते के अंदर क्रश कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम चार, ताकि हमारे जो है टमाटर जो है थोड़े से गल जाए, इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। मसाला हमारा हो चुका है, अब हम आलू और मटर दोनों ही डाल देंगे। अच्छा देखिए, नमक जो है मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, वैसे तो सही रहेगा, कम लगेगा तो फिर हम और डाल देंगे, क्योंकि चावल डालने ना तो नमक ज़्यादा ही होता है। बस अब हम इसे कवर कर देंगे। 3 गिलास हमने जो है चावल ले लिए हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब। आधा कप आप इसमें दही डाल दीजिएगा, जिसको हम भून लेंगे। टमाटर भी गल चुके हैं हमारे, वो आलू और मटर दोनों गल चुके हैं, और अब हमने चावल जो है 15 मिनट के लिए भी भून थे, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बस अब हम चावल ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 3 अगर हमने गिलास हमने चावल लिया है, 4 गिलास हम इसमें पानी के डाल देंगे, साथ ही जो है हम इसके अंदर 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हम जायफल जावित्री मिक्स कर देंगे हम। अगर आपके चावल ना गले तो फिर आप 1 गिलास और ऐड कर दीजिएगा, वैसे हम यही हिसाब रखते हैं, 1 गिलास बढ़ा के हम पानी डाल देते हैं। अब जोश पहले हम तेज़ करेंगे, जब जोश आ जाएगा तो फिर हम इसे नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और इसमें ऐड कर दिया है, और जब हम इसमें 1 चम्मच केवड़े का डाल देंगे, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देंगे, ऐसे छिड़क दो, हरा मसाला भी डाल दो साथ में, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, बस बहुत। 10 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। बस मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार है, शलजम का अचार है जो हमारी बहन राबिया बेगम ने भी हम मटर पुलाव के साथ खाएंगे, और आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और खाइए।